क्वेश्चन में देखो बेटा, अगर प्लस हो या माइनस हो, क्वेश्चन में आपके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या देखना है, सिर्फ एलिमेंट पे ध्यान देना है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। जहां पर आका आपका फर्स्ट एलिमेंट प्लस का है तो आप उसे प्लस का रखेंगे, जहां पर सेकंड एलिमेंट माइनस का है वहां पर आप उसे उसके साइन के साथ ही रखोगे, ठीक है ना। देख लो एक बार कैसे करेंगे। अब आपके पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2a, और हमारा अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर रखता हूं तो क्या होना था, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, तो क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर। फिर देखिए फॉर्मूले में, देखिए प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लिया। अब यहां पे आपका जो सेकंड एलिमेंट है 3b, ये क्या है, माइनस का है, तो आप क्या करेंगे, माइनस के 3b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर से क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो फिर से मैंने प्लस लगा दिया, प्लस लगाया तो फिर क्या होगा, अब c क्या है आपका, माइनस का है, इसका होल स्क्वायर। यहां तक समझ आया। अब क्या होना चाहिए, प्लस के 2ab, प्लस के 2bc, प्लस के क्या है हमारे 2ca, तो ऐसे ही क्या रखेंगे, प्लस में क्या होगा, 2a की वैल्यू क्या है, 2ab की वैल्यू क्या है, माइनस के 3b, उसके साथ उसका माइनस भी साथ ही रखेंगे, ठीक है ना। b क्या है, माइनस का है ना, तो इसलिए क्या होगा, माइनस उसके साथ रख दिया। आगे देखिए, प्लस के अब क्या चाहिए, 2bc, तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 2a, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 3b, और इंटू माइनस के सी, थर्ड एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, प्लस में 2c इंटू ए, तो माइनस के सी इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2a, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब देखिए 2a का स्क्वायर करूं तो 4a स्क्वायर, अब देखिए माइनस का 3 है, स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 9b स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें यहां से, प्लस में 9b स्क्वायर, और प्लस इसी तरीके से cb जो है ये भी प्लस में हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस लगा दीजिए, 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा, 12ab, ठीक है। अब देखिए प्लस लगाएंगे हम यहां पर ये वाला प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। अब फिर देखिए 3 जा 6bc, क्या बनेगा, 6bc, तो क्या हो गया आपका, 6bc। आगे आते हैं, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तेज बोलो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जा 4, तो माइनस के 4ca, आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।